डॉली किचन में आपका स्वागत है। आज मैं स्पेशल मसाला चाय बनाने जा रही हूँ। आपको अटपटा लगेगा कि चाय तो सब बनाना जानते हैं, बट नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत बैचलर्स ऐसे हैं जिनको चाय बनाना नहीं आता। बहुत ही आसान वे में और बहुत ही अच्छी मसाला चाय बनाने जा रहे हैं। इसे बनाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो चलिए देखते हैं कैसे बनती है मसाला चाय। स्पेशल मसाला चाय बनाने के लिए हमने लिया है आधा कप पानी और आधा कप कच्चा दूध लिया है। आप चाहें तो बॉइल्ड दूध भी ले सकते हैं, बट मैं कच्चे दूध की चाय बना रही हूँ। ये हमने मसाला लिया है चाय मसाला, ये आप मेरी वीडियो देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे रही हूँ। अगर आपके पास ये है तो आप यूज़ कर सकते हैं, अगर नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। ये मैंने अदरक लिया है, थोड़ा सा अदरक मैंने क्रश कर लिया है। ये मैंने इतना अदरक लिया है, इतने अदरक को मैंने क्रश कर लिया है। अगर आपके पास क्रशर नहीं है तो आप इसको ग्रेट कर सकते हैं। और दो छोटी इलायची को मैंने अच्छे से क्रश कर लिया है। अगर आपके पास छोटी इलायची का पाउडर है तो आप पाउडर भी यूज कर सकते हैं। तो इतनी मेजरमेंट आप नोट रखें। अगर आधा कप पानी और आधा कप दूध दिया तो हम एक कप चाय स्किप बनाएंगे। तो इसके लिए हमने आधा चम्मच ली है चाय पत्ती और एक चम्मच हमने चीनी ली है। चीनी आप अपने टेस्ट के वाइज घटा और बढ़ा सकते हैं। कई लोग ज़्यादा चीनी पीते हैं तो वो चीनी डेढ़ चम्मच भी कर सकते हैं, और जो कम पीते हैं वो थोड़ा सा कम भी कर सकते हैं। लेकिन नॉर्मल चाय के लिए मेजरमेंट इतनी ही अच्छी होती है, जो कि बहुत टेस्टी बनती है। ये बहुत ही ईजी वे है जिससे मैं आपको बता रही हूँ चाय बनाना। तो चलिए चाय बनाते हैं। सबसे पहले हमने एक पैन को गैस पर रख दिया है। इसके अंदर हम सबसे पहले डालेंगे पानी। पानी को थोड़ा सा गर्म होने दें। पानी जो है गर्म हो चुका है। इसके अंदर हम डाल देंगे अदरक और छोटी इलायची। मसाला चाय है तो हम स्पेशल इसके अंदर मसाला डाल रहे हैं। आप देख रहे हैं हमने एक पिंच बिल्कुल मसाला डाला है, वो ज्यादा मसाला नहीं डालेंगे क्योंकि हमने अदरक और इलायची ऑलरेडी इसमें डाल दिया है। अदरक और इलायची डालने के बाद हम इसके अंदर डाल देंगे चाय पत्ती। अब पानी को अच्छे से बॉयल होने दें। आप देख रहे हैं पानी अच्छे से बॉयल होना शुरू हो गया, इसे एक मिनट लग गया है। इसके अंदर हम डाल देंगे शुगर। अब हम इसके साथ ही डाल देंगे इसके अंदर दूध। अब इसे अच्छे से बॉयल होने दें। हमें इसे बॉयल करने में डेढ़ से दो मिनट लग सकते हैं। ये हमारी चाय बनकर तैयार है। बहुत ही अच्छी और बहुत ही टेस्टी, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। मसालेदार चाय बनकर तैयार हुई है। गैस मैंने बंद कर दिया है। अब इसे मैं एक कप में डाल लेती हूँ। ये हमारी गर्मा गर्म मसालेदार स्पेशल चाय बनकर तैयार है। बहुत ही अच्छी और बहुत ही टेस्टी, बहुत खुशबू वाली ये चाय बनकर तैयार हुई है। आप इसे ट्राई जरूर करें, जरूर बनाएं। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।